पाकिस्तान के अंदर लगातार अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं और हमने आपको अभी कुछ समय पहले ही एक ऐसी खबर से अवगत कराया था जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में हमने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितने आंकड़े बढ़ चुके हैं अपराध के, उससे अवगत कराया था। और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कल एक बार फिर से दो पक्षों के अंदर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। यह मामला कहीं और का नहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर के तुंगा का बताया जा रहा है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दो पक्षों के अंतर्गत पानी को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ है और इस खूनी संघर्ष के चलते हुए कई लोग घायल भी हुए हैं तो कई लोगों को अस्पताल के अंदर भर्ती भी करवाना पड़ा है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत पुरुषों ने लाठी डंडों से वार किया है और वो भी किसी और के ऊपर नहीं, महिलाओं के ऊपर वार किया गया है और महिलाओं के ऊपर वार करने से महिलाएं इसके अंतर्गत घायल होती हुई भी साफ साफ नजर आ रही हैं। आखिरकार पानी को लेकर के दो पक्षों के अंदर जब खूनी संघर्ष हो सकता है तो आखिरकार किस प्रकार से राजस्थान के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले हम आप सभी को दिखाते हैं वीडियो कि आखिरकार किस प्रकार से दो पक्षों के अंदर यह खूनी संघर्ष हुआ है और उसके बाद में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि कैसे कौन कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत घायल हुआ है और किस किस व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है। और साथ ही पुलिस ने 9 जनों को जो गिरफ्तार किया है उसके अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति शामिल है। पानी को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा देखने को मिला है जिसमें 6 जने घायल भी हो चुके हैं। तुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम बल्लूपुरा में सोमवार को बीसलपुर पेयजल पॉइंट से पानी भरने की बात को लेकर के विवाद में मंगलवार को तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने लामबंद होकर के दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी और सरियों से पीट करके घायल कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष के आशीष शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करके बताया कि सोमवार को पड़ोसी गोपाल सिंह, किशोर सिंह, दातार सिंह, राजू सिंह से कहा सुनी हुई थी। इसके बाद से ही पड़ोसी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे और मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में घुस करके महिलाओं से छीना-झपटी की। जब परिवार के लोगों ने बीच बचाव किया तो लाठी सरियों से वार कर दिया, जिसमें रेखा देवी के सिर में चोट लग गई और भुवनेश्वर, ओम प्रकाश, गीता, आशीष भी चोटिल हो गए। हमले में घायल रेखा देवी को जयपुर रेफर किया गया तो वहीं हमले से आक्रोशित ग्रामीणों ने पीड़ित पक्ष के साथ में थाने पहुंच करके मामला दर्ज करवा करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।